विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहाँ आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे, मेरे रोग मेरी बीमारी मेरे दुख को आप नहीं हरोगे। शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। शुक्र तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, बामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल, तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो, 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए,
उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है, उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार बापे जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूल एक प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। मात्र प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर, और कमल का फूल ना मिले तो कमल रखता पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो तो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारी हो गए, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप, प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल कट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिवजी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष, चढ़ाओ 5-6 प्रदोष करके देखो, छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा लगे जा करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिवजी को चढ़ा करा। उम्मीद है ये वीडियो